हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से भाई, जहां शादी करे के नाम माही युवती का झांसा दे के मामला प्रकाश मा बा। बतावा जाता भाई कि युवती के साथ शादी करे के बहाने लंबे समय से आरोपी दुष्कर्म करत रहा। युवती जब शादी करे के दबाव बनाई तब युवक शादी से इनकार कर दिन, जिसके बाद पीड़िता महिला थाने पहुंच के शिकायत दर्ज कराई हुए। फिलहाल पुलिस अलगे मामला के जांच पड़ताल कर रही है। रीवा माही झाड़ फूक करे के नाम में एक दरकी पुन के दरिंदगी के मामला सूहे आवा, जहां एक ठे झाड़ फूक करे वाला बाबा झाड़ फूक करे के बहाने दुष्कर्म करी। यह घटना गुड़ थाना के आए, जहां घटना के जानकारी पीड़िता अपने घर वाले का दिन, जिसके बाद थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। आई सुनाई थे सलगे मामले में ही पुलिस के का कहा भवे। एक गुड़ में 24 तारीख को एक नाबालिग बच्ची वहां से अपने घर से चली जाती है, उस पर से थाना गुड़ में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिस पर थाना गुड़ में 363 का प्रकरण पंजीबद्ध होता है। उसके बाद उसके ही गांव के पड़ोस का जो 100 मीटर दूरी पे एक वो है, आरोपी है प्रदीप तिवारी, जो लगभग 32 वर्ष का है, वो झाड़ फूंक का काम करता है। वो उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी उम्र भी करीब 18 वर्ष से कम है, 17 साल कुछ माह की है। उससे कहता है कि वो तुम्हारी जो बहन चली गई है छोटी, वो मिल जाएगी, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। तो उसके साथ वो झाड़ फूंक के नाम पर उसके घर में ही उसके साथ बलात्कार की घटना घटित करता है, जिसके बाद उसके मुझे पता चलता है कि घर पे ऐसा किया गया तो मालूम चला उसके माता पिता दोनों जबलपुर गए थे किसी काम के सिलसिले में। उसके साथ ये घटना करने के बाद रिपोर्ट लिखाती है वो थाने पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। उस थाना रिपोर्ट पर से पुलिस ने 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया पॉक्सो एक्ट के तहत, साथ साथ उस आरोपी जो था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। रीवा के नईगढ़ी तहसील के मुख्यालय के साथ है सलगे अंचल में ही अघोषित होने वाली बिजली कटौती से जहां कई ग्रामीण परेशान हमा, तो वहाँ उनका पेयजल के संकट गहराए लाग हवे। बिजली के आवाजाही रुके के नाम नहीं ले ला गया। आलम यह हवे के दिन हो चाहे रात हो, बिजली के कोनो निश्चितता नहीं रहे। वहाँ बिजली विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ता के परेशानी सुने का तैयार नहीं आई। कितना परेशान है सप्लाई नहीं आती, जब आती भी है तो दिन में बिजली देते हैं उसको। किसान दिन में इतनी बड़ी ताप में 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान है, किसान कैसे उसमें मिजाई जहाई कर सकता है? किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पर जा रहा है बिजली के वजह से। इसमें पब्लिक भूखों मर रही है, खाना कहीं से पा जाती है, पानी कहाँ मिले उसको? और सब बिना बिजली के तो बोर नहीं चलेगा, अब बिजली इनकी आनी नहीं है। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी द्वारा वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 7 में खबर मऊगंज से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल भय युवक का उपचार खातिर मऊगंज अस्पताल ले आवा रहा, जहां उपचार के समय उनकर मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजन अस्पताल में हंगामा करे रहे। इतने नहीं, चिकित्सकों का बंधक बनाए कि उनका आगे लगाए के मारे की कोशिश करे रहे, जिसके बाद पुलिस समझाइश दे के कोनो मेर के मामला शांत कराई। मामला ये था कि मैं डॉक्टर अनिल सिंह होके जो आकस्मिक चिकित्सा ड्यूटी पे थे कल रात में, तो एक मरीज की उपचार दौरान मृत्यु हुई थी जो एक्सीडेंट होके आए थे। उसी के बाद उनके परिजनों द्वारा और सहयोगियों द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। उसके बाद अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने ओपीडी बंद किया था, काम नहीं चल रहा था। SDM साहब, SDOP साहब आए हैं, उन्हें कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है। तत्पश्चात अभी कार वापस से शुरू कर दिया है हम लोगों ने। अस्पताल में क्षति भी पहुँचाई गई है? जी हाँ, शासकीय संपत्ति जो अस्पताल के हैं, दीवार है, दरवाजे, खिड़कियों को उनको नुकसान पहुंचा है, काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? जहां तक मुझे पता है उन्हें FIR दर्ज हुई है और हमें आश्वासन मिला है कि जो भी इसके पीछे हैं, जो भी तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। डॉक्टरों के साथ लगातार ये घटनाएं अगर हो रही हैं अस्पताल में हो रही हैं जी, इसके लिए आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है, जैसे हम सभी लोग डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ 24 घंटे जनता को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराते रहते हैं। फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सबका मनोबल काफ़ी टूटता है, हतोत्साहित होते हैं, तो ऐसे डर के माहौल में, भय के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कल देव तालाब के पास में एक युवक रवि कुमार द्विवेदी की एक्सीडेंट में वो घायल हो गए थे। फिर उनके परिजनों के साथ में वो CHC महूगंज में आए, वहाँ पे डॉक्टर अनिल सिंह विके के द्वारा उनका एक प्रारंभिक इलाज किया जा रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, जिस पे उनके परिजन आक्रोशित हो गए और जो भी उनके साथ में अन्य लोग थे वो भी आक्रोशित होकर डॉक्टर साहब के साथ में उनके द्वारा लगातार मारपीट की गई और तोड़फोड़ की CHC में घटना को अंजाम दिया गया। और घटना की जैसे सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी महूगंज तत्काल मौके पर पहुँची, परिजनों को समझाया, डॉक्टर साहब को सुरक्षित किया और इसके बाद में जो मृतक है उसकी बॉडी को वहीं पे PM के लिए सुरक्षित रखा गया और डॉक्टर साहब के आवेदन को पे तत्काल FIR पंजीबद्ध किया गया। FIR में धारा 353, धारा 332, 294, 506, इसके अलावा चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम 3/4 और SC/ST Act की धाराओं के साथ में FIR पंजीबद्ध कर डॉक्टर साहब का KMLC कराई गई है और अन्य अग्रिम कार्रवाई क्या की जा रही है। बुलेटिन की अगली खबर सीधी से हवाई, जहां नामी अखबार दैनिक जागरण रीवा के प्रभारी संपादक के लड़की का डकैती डारत पकड़े गए। इतने नहीं, आरोपी के साथ है उनके गांव के आधा दर्जन से अधिक साथी घलाए पकड़े गए। हम जो ने माही अपने आप का एक आदमी पत्रकारों बताए रहा है। फिलहाल पुलिस दबाव के चलते ज्यादा खुलासा तो नहीं करी, लेकिन अखबार के निष्पक्षता माही कलंक जरूर लग गया है। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष जयपाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रावेश दुबे के निर्देशन माही सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के आयोजन करें। जोने माही राजेश दुबे बताएं कि प्रदेश सरकार 2018 में भोपाल में की जाए वाली विशाल कार्यक्रम माही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कुलदीप भारद्वाज से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अपने वादा और सार्वजनिक घोषणा का ही अगर आगामी विधानसभा सत्र में पूरा नहीं करा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश स्तर में ही विशाल आंदोलन करी। उसके पश्चात हम लोग 3 मई को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है यहाँ पर परशुराम भगवान जयंती मनाएगी, उसकी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर की और जो जन कल्याण के लिए हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे, जो आगामी कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसकी जानकारी की विधिवत जानकारी देने के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बार रैली में आपकी? इस रैली में यही खास रहे 1100 फरसों का ऑर्डर दिया हमने और शासन प्रशासन से आ रहा कि हम फरसों की रैली न निकालें, क्योंकि पहली बार भगवान परशुराम के जुलूस को लेकर यहाँ पर खासतौर से बहुलता है इस ज़िले में और ब्राह्मणों बड़ी जागरूकता है और बड़े उत्सुक है। नौजवानों ने कहा कि हम लोग इस बार फरसा की रैली निकालना चाहते, फरसा लेकर के तो अभी हमने सुनने को मिला कि शासन प्रशासन कह रहा है कि आप जो है ये फरसों की रैली नहीं निकालती, गलत होगा। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से हवाई, जहां जिला अधिवक्ता रीवा के अधिवक्ता एक अधिवक्ता का ही महिला से फर्जी मामला में फंसावे के आरोप लगाई नहीं है और पुलिस अधीक्षक से सलगे मामला में ही महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई के मांग करी नहीं है। महिला पर आरोप रिपीट महिला के ऊपर आरोप लगाए के अधिवक्ता बताएं कि अधिवक्ता इंदेश मिश्रा महिला के भरण पोषण खातिर केस लिए रहे हैं, जो उन्हें महिला फीस दे से बचे खातिर अधिवक्ता का बलात्कार के नई जघन अपराध में फंसावे के षड्यंत्र कर लाई है। ये मामला में ही निष्पक्ष कार्रवाई हो चाहिए और महिला के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए चाहिए। एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनके क्लाइंट थी रजनी त्रिपाठी, उसके प्रकरण में वो पिछले साल भर से वकील है, उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आधी फीस में दिया जाएगा, अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही है, जबकि वो वकील साहब को फोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फोन में हमको ये धमकी दे रही है, अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। घटना बता रही 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार पुलिस में आ रही है, लेकिन अब ये काम कर रही है कि कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। तो यह ट्रायल किया केस के दौरान कहीं पैसा उसने दिया नहीं है, आधा देंगे ऐसा कहा? यही तो तय हुआ था कि जब पैसा हमको मिलेगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको इकट्ठा दे देंगे, अब वो इकट्ठा 30,000 इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो रिपोर्ट कर रही है। खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस पंचायती राज के प्रकोष्ठ रीवा के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता का आयोजन करें, जोने माही पंचायती राज के व्यवस्था के बारे में जिला अध्यक्ष जानकारी दीन, साथ ही कहीं के गांधी के पंचायती राज के कल्पना के उल्टा BJP सरकार के नीति काम कर रही है। वर्तमान सरकार पंचायती राज व्यवस्था का ही कुचल दही सिवा, जहाँ गामन के विकास नहीं के बराबर भाव है, वह ग्रामीण स्तर में
दी जाए वाली सलगी सुविधान के उलट काम की जा रहा है। पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया, इसके पूर्व में जनपद अध्यक्ष रीवा था। जो पंचायती राज की व्यवस्था है, जो गांधी जी की सोच थी, जो कांग्रेस की एक सोच थी, गांधी राज पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना सोची थी, उसके बिल्कुल विपरीत भाजपा सरकार की नीतियां जो काम हो रहे हैं गांवों में। गांधी जी की सोच का मेन मतलब था गांवों का विकास। आज भाजपा सरकार ने जो पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह से कुचला है कि गांवों की जो विकास की बात है वो ना के बराबर हो गई है। कांग्रेस जमाने में पंचायती राज व्यवस्था के तहत लोगों को, पंचायतों को, अध्यक्षों को और पंचों को जो सुविधा दी जाती थी, जो पंचायती राज व्यवस्था का नियम के विपरीत पूरे काम भाजपा सरकार के राज में हो रहे हैं, उस संबंध में लोगों के पास जो समस्याएं हैं पंचायती राज से जुड़े हुए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांवों में 65% आबादी निवास करती है, उस आबादी को जिस तरह से सोच उसके प्रति होनी चाहिए पंचायत की, अब पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी की जो सोच थी कि उन लोगों तक विकास पहुंचेगा, उस विकास के संबंध में भाजपा सरकार ने अपने जो विकास की बात कर रही है वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में ही पंचायती राज समिट के रह गया। खबर रीवा से है, जहां चेक पोस्ट सुहागी माही ट्रक चालकन से अवैध वसूली करे की शिकायत कलाई के ट्रक एसोसिएशन और कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के साथ है दर्जन भर जने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन दे के अवैध वसूली का रोके खातिर मांग करी। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बेचारे ट्रक वाले अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डीजल पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा है, तो जैसे ही वो मध्य प्रदेश की सीमा में या तो घुसते हैं या बाहर जाते हैं तो उनसे वसूली की जाती है, उनसे लूटपाट की जाती है और वहाँ पर गुंडे तैनात हैं और तमाम तरीके के अवैधानिक कृत्य होते हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा है कि ये सब बंद होगा और आप मेरे संज्ञान में लाई हैं तो निसंदेह इस पर कार्यवाही होगी, और हमने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होगी और हम लोग दोबारा तिबारा चौबारा जाएंगे, इस 15 दिन में मेरा घर त्योथर है, मेरी ससुराल त्योथर है, तो मेरा इन 15 दिनों में बार बार शादी ब्याह में जाना होगा, जितनी बार जाऊँगी उतनी बार वहाँ पर रुकूंगी और देखूंगी कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के भी मैं अध्यक्ष हूँ, और यहाँ कमिश्नर साहब के हमें लेटर देने आया था, दीदी थी साथ में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अवैध वसूली गुंडा राज नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग 15 दिन के अंदर सुहागी चेक पोस्ट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।